यूपीएससी मेंस आंसर। यस, ये वो एरिया है जो काफी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, काफी स्टूडेंट्स को नर्वस करता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए और किस एक्सटेंट तक लिखना चाहिए। तो ये सभी सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं कि वो यूपीएससी मेंस में किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूं मनीष मिश्रा एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर GS2 मेंस आंसर राइटिंग। एंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आई विल ब्रिंग टू यू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी मेंस फ्रॉम GS2 पेपर। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर होना चाहिए। एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड अ सैम्पल आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, एंड बिफोर वी बिगिन, अगर आपने मेरा जो पिछला सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया था, वेयर वी हैव डिस्कस्ड द व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूपीएससी मेंस आंसर, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू anujjindal.in एंड वॉच दैट। उसके बाद आप एक बहुत अच्छा आंसर लिखने में सफल होंगे। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन राइटिंग अ गुड मेन आंसर। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन and so that aapko sari latest notifications mil sake regarding the videos. Now let's begin with the question. Ye question guys 2020 mein pucha gaya tha. This question was asked in 2020 mains paper GS2 of course, and I will be your mentor only for GS2 mains answer writing, and in future Anuj sir will also bring to you some sample answers for GS3 paper which is related to economy. And GS2 we all know is पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड है। नाउ पॉलिटी और गवर्नेंस में गाइस जो सबसे बड़ा इशू है, देयर इज अ बिग इशू इन दिस पेपर GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड दैट इशू इज दिस गवर्नेंस पार्ट। दैट इशू इज व्हाट, दिस गवर्नेंस पार्ट। इसके कोई बहुत अच्छे नोट्स भी हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। पॉलिटी के लिए तो बहुत सारा मटीरियल है, देयर इज अ लॉट ऑफ मटीरियल फॉर पॉलिटी टू टैकल द पॉलिटी, बट गवर्नेंस पार्ट के लिए थोड़े से मटीरियल की कमी है मार्केट में। सो गवर्नेंस पार्ट जो है हम आपका बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। गवर्नेंस पार्ट के लिए जो पूरा मटेरियल है वो तैयार किया जा रहा है, और मैं इनफैक्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा गवर्नेंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द RTI एक्ट। एंड वन मोर थिंग गाइज, हम भी जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाले क्वेश्चन लेंगे, एंड देन we will move on to the polity wala part of GS2. All right, so the question is, recent amendments to the RTI act will have profound impact on the autonomy and independence of the information commission, discuss. 10 mark question tha ye. To question kya hai, RTI act mein jo recent amendments hue the uske profound impact honge, matlab ek bada impact hoga on the autonomy and the independence of the information commission. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड तो आपको इस क्वेश्चन में मिल गया, दैट इज RTI एक्ट। और इसकी मदद से जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड यू कैन ईजिली टैकल द इंट्रोडक्शन पार्ट। बिकॉज मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, What we should do in the introduction part, we should write anything. We should write in introduction about an act which has been mentioned in the question, any organization which has been mentioned in the question, or any other particular thing which has been mentioned in the question. So यहाँ पे particularly mention है RTI act. तो इसका मतलब हमारा introduction के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं. Introduction के दरवाजे खुल गए हैं with the help of this keyword RTI act. Alright. Now we can easily write the introduction, I guess. आगे चलते हैं, विल हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट। इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, प्रोफाउंड वर्ड का मतलब काफी बड़ा, ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला जो कीवर्ड है हमारा क्या है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। ऑलराइट, तो बेसिकली हमें तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है इसमें। पहली चीज क्या है, RTI एक्ट और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, RTI एक्ट लिख सकते हैं। वी कैन राइट अबाउट RTI एक्ट इन द इंट्रोडक्शन, एंड एज आई टोल्ड यू, इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए, ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन इज नॉट हेल्पफुल। देन इन द बॉडी व्हाट वी विल राइट अबाउट द अमेंडमेंट्स। किसके बारे में लिखेंगे हम, जो अमेंडमेंट्स हुए थे, क्योंकि हमें किसका इम्पैक्ट बताना है, अमेंडमेंट का इम्पैक्ट बताना है ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन।
we have to tell what is the impact of RTI Amendment Act on the autonomy and independence. So we have to mention what are the amendments. So हमें बताना पड़ेगा कि amendment है क्या क्या. Alright. तो फिर हम amendment बता देंगे और उसके बाद जो भी impact है, positive, negative, जो भी है वो हम बता देंगे और finally conclusion. So ये काफी easy question था, इसको बहुत easily tackle किया जा सकता था if you are understanding this question properly. And remember here one thing, यहाँ पे profound impact बोला है, पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं बोला है. द वर्ड पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट हैज नॉट बीन मेंशन. देयर इज अ वर्ड व्हिच इज नोन एज व्हिच इज प्रोफाउंड इंपैक्ट. सो व्हाटएवर द इंपैक्ट इट इज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू हैव टू मेंशन दैट. ऑलराइट. सो या, सो दीज आर द कीवर्ड्स. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजिली राइट द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीआई एक्ट, नंबर वन कीवर्ड आरटीआई. इनफैक्ट द कीवर्ड शुड बी आरटीआई एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट. ऑलराइट. Then autonomy of the information commission and then independence of the information commission, क्या क्या उसके ऊपर impact होगा. Alright. So now let's begin with writing the answer. अब हम बात करते हैं कि हम इस answer को कैसे एक अच्छा answer लिख सकते हैं. So first of all we will talk about the introduction. So as I told you, in introduction part we just have to mention some lines about the particular thing, about the particular act, about the particular commission, about the particular organization, about the definition of a particular concept. So here the particular thing, the particular act was given which is known as RTI Act. तो हम RTI Act के बारे में brief में लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे mention किया है. The RTI Act 2005 provides for the practical regime of obtaining information by the citizens from the public authorities in order to promote transparency and accountability in the public offices. तो हमने बता दिया कि RTI Act 2005 basically क्या है और क्यों आया था. तो क्या है, इट इज फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज. एंड क्यों आया था, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक ऑफिसेज. ऑलराइट. एंड अब ये वाली लाइन जो है ये मेंशन करना इस क्वेश्चन में जरूरी था. क्यों जरूरी था, क्योंकि इसमें बात की गई है सीधा सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन के इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की. तो हमें यह बताना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन दिस, वी हैव टू टेल द एग्जामिनर कि यस सर, the act also provides for the constitution of a central information commission and state information commission. हमें examiner को बताना पड़ेगा कि हाँ जी साहब, जो act है वो central information commission भी provide कराता है और state information commission भी provide कराता है. तभी हम ये बता पाएंगे कि कैसे उसकी autonomy और independence के ऊपर impact डाला है RTI amendment act में. Okay, so this is the introduction. I think this much introduction is more than enough. इतना इंट्रोडक्शन लिख दोगे काफी है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के बारे में हमने बता दिया कि कब आया था, क्यों आया था और किस लिए आया था. और उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ऑलराइट. नाउ अब आ जाओ बॉडी पे. इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल क्लियर है. आई होप इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ बॉडी में सबसे पहले तो देखो, बॉडी में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा. इंपैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस हमें बताना पड़ेगा. लेकिन लेकिन वो बताने से पहले, बिफोर दैट द क्वेश्चन आस्क अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट. सो यू हैव टू टेल, यू हैव टू राइट अबाउट द अमेंडमेंट ऑल्सो. आपको अमेंडमेंट भी तो लिखना पड़ेगा कि अगर किसी चीज का इम्पैक्ट आप लिख रहे हो उस चीज के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा. सो दीज आर द अमेंडमेंट्स. So guys, if you remember, in the RTI Act of 2005, section 13, 16 and 27 were amended through this Amendment Act. But if you do not remember the sections, then that is okay. अगर आपको section याद नहीं रहता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि obviously हमें articles इतने सारे याद करने पड़ते हैं, पूरा एक मतलब एक जंजाल बना हुआ है constitution में articles का. तो हो सकता है कि in some cases इस तरीके के जो नए नए terminology या जो नए नए facts होते हैं वो कभी कभी दिमाग से skip हो जाते हैं. So if you do not remember the sections जिनका amendment हुआ है, then that is fine. All right, there is no issue. आपको जो basic amendment है अगर वो पता है, then that is more than enough. All right. So what were the amendments? So basically the amendments were regarding the terms and conditions of the office of Chief Information Commissioner and the Information Commissioner and regarding their salaries. And in both the central चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों की सैलरी और दोनों की जो टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशंस है उसमें अमेंडमेंट की गई थी थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट. सो व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन द टर्म्स ऑफ सीआईसी एंड आईसीएस. सो अर्लियर द आरटीआई एक्ट 2005 सेड
दैट CIC एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है, पहले आज जो RTI एक्ट 2005 था उसमें क्या बोला गया था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे उनका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा. ओके, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट ने दिस टर्म, ये जो 5 साल की फिक्स टर्म थी, इसको हटा दिया एंड इसमें ये लिखवा दिया गया कि द टर्म विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द टर्म ऑफ द CICs एंड ICs विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑलराइट, सो दिस वाज द वन अमेंडमेंट. सेकेंड अमेंडमेंट वाज रिगार्डिंग देयर सैलरी. सो इन द अर्लियर RTI एक्ट ऑफ 2005 द सैलरी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्किंग ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट द सेंट्रल लेवल वर इक्वलेंट टू द इलेक्शन कमिश्नर्स वर इक्वलेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. जो हमारा CIC था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो इक्वलेंट थी किसके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के. और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी वर्किंग कंडीशन इक्वलेंट थी किसके, इलेक्शन कमिश्नर्स के. ऑलराइट, सिमिलरली जो स्टेट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, स्टेट वाला, रिमेंबर दिस, स्टेट वाला, उनकी जो वो थी, जो टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशन थी वो इक्वलेंट थी किसके, इलेक्शन कमिश्नर्स के. ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे स्टेट में, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो इक्वलेंट थी चीफ सेक्रेटरी के, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है. ओके, बट नाउ अब इस अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने क्या बोला कि ओके, द सैलरीज अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्किंग ऑफ ऑल द CIC, मतलब जो स्टेट में CIC होंगे एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंटर, उनकी जो भी ये टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशन होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो कौन डिसाइड करेंगी, हम डिसाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और किसी के पास कोई पावर नहीं है उसको डिसाइड करने की. ओके, तो बेसिकली वॉट सेंट्रल गवर्नमेंट डिड इज दैट इट टेक्स ऑल द पावर्स रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशंस, रिगार्डिंग द टर्म्स, रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल बोथ. ओके, सो आई होप ये अमेंडमेंट्स आपको क्लियर है, आई होप आपने पढ़ाई होगा. तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे अमेंडमेंट्स बता दी कि ये अमेंडमेंट हुई थी जी. अब हम आगे चल के क्या बताएंगे, इस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द आंसर आई टोल्ड यू दैट देर वॉज नो मेंशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मेंशन नहीं था. द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द जस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट, कि क्या क्या इम्पैक्ट हैं. तो आपको दोनों इम्पैक्ट बताने, नेगेटिव भी बताने हैं, पॉजिटिव भी बताने हैं. अगर हैं तो, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव भी बताओ, पॉजिटिव है दोनों बताओ. ठीक है, नहीं है तो फिर उसके लिए एक अलग तरीका होता है टैकल करने का. तो हम वो एक अगर किसी और क्वेश्चन में वो चीज मिली तो वी विल डू दैट ऑल्सो. सो नाउ वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव इम्पैक्ट की. नाउ ये आप जब नेगेटिव इम्पैक्ट लिखोगे, वेन यू विल राइट दिस नेगेटिव इम्पैक्ट, सो यू विल कीप इन योर माइंड द अमेंडमेंट्स. वी हैव टू टेल द इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स ओनली. यू डू नॉट हैव टू पुट योर बाइसेस इन योर आंसर. अपना बाइस नहीं देना है कि हाँ जी देखो अब सरकार ने RTI के ऊपर पूरा कंट्रोल बना लिया है. ऐसा नहीं लिखना है कि भाई अब ये सरकार ने जो है कुछ नहीं किया है, पूरा का पूरा RTI का जो इकोसिस्टम है अपने अंडर में ले लिया है. अपने बाइसेस वहां पे नहीं देने हैं. जो एक्चुअली में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो आपको बताना है. ओके, तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं. द बिल वॉज पास्ड विदाउट द पब्लिक कंसल्टेशन. और यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन वॉज नेसेसरी बिकॉज दिस एक्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. और अगर सिटीजन्स के राइट्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं देन द बिल शुड बी कंसिडर्ड, शुड बी कंसल्टेड विद द पब्लिक. उसको पब्लिक के साथ कंसल्ट करना जरूरी है. विच हैम्पर्स द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक कंसल्टेशन इज नेसेसरी फॉर लॉज टू बिकम सक्सेसफुल. तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई पब्लिक कंसल्टेशन आपने नहीं ली थी. तो इफ यू हैव नॉट टेकन द पब्लिक कंसल्टेशन एंड दिस इज द केस ऑफ द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, सो इट विल डेफिनेटली हैम्पर द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री, नंबर वन. नंबर टू क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, द बेसिक इंडिपेंडेंस लाइज विद इन द गारंटी ऑफ टेन्योर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑफिसर की, किसी ऑफिस की टेन्योर की गारंटी नहीं होगी, देन वॉट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस यू आर प्रोवाइडिंग टू दैट ऑफिस. ऑलराइट, सो दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि द इंडिपेंडेंस जो थी उनकी वो ऑलमोस्ट
बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दी गई है क्योंकि जो गारंटी ऑफ टेन्योर है वो ले ली गई है, इट हैज बीन टेकन अवे बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट. ऑलराइट, सो द बेसिक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीवीसी, सीआईसी, ईसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है वो कहां पे लाई करता है, उसके टेन्योर की गारंटी में, और वो इस एक्ट ने ले लिया. इस एक्ट में सरकार ने लिखवा दिया कि यस द टेन्योर विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. देन आफ्टर द अमेंडमेंट्स मेड इन द एक्ट द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सीआईसी एंड आईसीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल डेफिनेटली इंपैक्ट देयर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. अब टर्म्स और वर्किंग कंडीशंस जो भी हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है. तो भाई साहब अगर वर्किंग कंडीशन है, मान लो कि कोई पर्सन है, लेट अस से देयर इज अ पर्सन हु इज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन अ पर्टिकुलर स्टेट. सो लेट अस से कि एक पर्टिकुलर स्टेट में देयर इज अ पर्सन हु इज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड कोई एक इंफॉर्मेशन आई रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड ही वॉन्ट्स टू रिवील दैट इन्फॉर्मेशन बट द स्टेट इज नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू रिवील दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. So what state can do? State can change his working conditions. State can dismiss him. State can suspend him. State उसकी transfer कर सकता है, किसी और department में भेज सकता है, तो कुछ भी कर सकता है. So basically his terms and working conditions can be changed to his or disadvantage now. ऐसा कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करेगी ही सरकार, but yes there is an option. There is an option with the central government. Okay, yes we can change your working condition with your disadvantage. So ये हो सकता है, it is a possibility. So it can be a negative impact on the working condition of the information commissions. Okay. So these are the three most important negative impact. अगर आपके दिमाग में और आता है तो और आप लिख सकते हो, but yes we have to keep in mind the word limit also. All right. Then let's talk about the positive impact. अब ये positive impact guys जो generate हुए हैं इस act में, अगर आप newspaper follow करते हो तो डेफिनेटली आपने इस एक्ट में जो गवर्नमेंट का टेक है वो पढ़ा ही होगा. तो पॉजिटिव इंपैक्ट में गवर्नमेंट का टेक लिख सकते हो. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इसमें गवर्नमेंट का जो टेक था कि यस दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज आप जो हो आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, यू विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट मशीनरी एंड यस यू हैव द राइट टू रेज द क्वेश्चन इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, बट यस यू हैव टू बी विद द गवर्नमेंट. इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट देन यू हैव टू गिव सम कंस्ट्रक्टिव मेजर्स फॉर दैट क्रिटिसिज्म ना. सो आपको सरकार की बात भी सुननी पड़ेगी एंड देन फिर आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा कि ठीक है साहब आप ऐसा कर सकते हो. ऑलराइट, अब सरकार माने ना माने वो एक अलग बात है. सो पॉजिटिव इंपैक्ट की बात कर लो, गिविंग द कंट्रोल ऑफ टेन्योर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो कहीं ना कहीं गाइस देखो ये होता है, अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो टेन्योर है उसका कंट्रोल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा तो डेफिनेटली देर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देर विल बी यू नो देर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, करप्शन जो होगा वो कम हो जाएगा. इफ देर इज एनी काइंड ऑफ करप्शन विद इन द इंफॉर्मेशन कमीशन दैट विल डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड, बिकॉज उनके मन में डर होगा कि यस देर इज अ कंट्रोलर, हमारे ऊपर एक कंट्रोलर बैठा है जो कि हमें कभी भी सस्पेंड कर सकता है. बट यस दिस इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड, बट यस कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. देन द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ सीआईसी एंड आईसीज विल बी अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट विल लीड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ओवरऑल आरटीआर स्ट्रक्चर. दिस वॉज कोटेड डायरेक्टली बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था. एंड इसके अलावा सीआईसी हैज बीन गिवन इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द ओरिजिनल एक्ट. जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं उनको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इक्वल स्टेटस दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल था. द जजमेंट ऑफ सीआईसी कैन बी चैलेंज इन दी हाई कोर्ट. तो जजमेंट थी वो कहाँ पे चैलेंज की जा सकती थी, हाई कोर्ट. तो इस एक्ट ने इस एम्बिग्यूटी को खत्म कर दिया. इसका मतलब ये है कि अब जो सीआईसी की जजमेंट होगी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएगी. अभी तक सरकार ने ऐसा कहा है, अब जब इसका इन्फोर्समेंट होगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट दैट वर कोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रूल मेकिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू द सीआईसी एंड आईसीज एज पर द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2005 एंड नाउ दिस बिल विल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर होगी तो वो लोगों के भले के लिए सोचेगी, उसके हाथ में जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंट्रोल आएगा रिगार्डिंग दी इन्फॉर्मेशन कमीशन देन डेफिनेटली देर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन दी आरटीआई इकोसिस्टम. सो दीज आर सम
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दैट वर कोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि यस वी आर डूइंग दिस अमेंडमेंट बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजंस. सो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है. इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं डाला है कि यस दिस विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट. ऑलराइट, सो नेगेटिव इम्पैक्ट हमने कर लिया बॉडी में. देखो तो बॉडी में हमने क्या क्या चीजें लिख दी, अमेंडमेंट लिख दिया और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख दिया और नेगेटिव इम्पैक्ट लिख दिया, तीनों चीजें लिख दी. अब देखो जो हमारा आंसर का कीवर्ड था, आंसर के कीवर्ड पे आ जाओ. तो आपने आरटीआई एक्ट मेंशन कर दिया, आपने अमेंडमेंट मेंशन कर दिया, यू हैव मेंशनड द अमेंडमेंट एंड द आरटीआई एक्ट बोथ. देन यू हैव मेंशनड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, बोथ द यू नो व्यूज दैट यू हैव कवर्ड हियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव भी कवर कर दिए, नेगेटिव भी कवर कर दिए. ऑलराइट, तो बेसिकली आपने आंसर जो है अपना वो कवर कर दिया है. यू हैव कवर्ड द होल, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के ऊपर अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट का क्या इंपैक्ट है, तो आपने लिख दिया. ऑलराइट, एंड नाउ अब आ जाओ कंक्लूजन पे. किस पे आ जाओ, कंक्लूजन पे आ जाओ. व्हाट शुड वी राइट इन द कंक्लूजन. अब देखो यहां पे अभी जब हमने नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ा था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द नेगेटिव इंपैक्ट, वी वर डिस्कसिंग दैट यस देयर मे बी एन ऑप्शन, देयर कैन बी एन ऑप्शन वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज द यू नो टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन विद टू देयर डिसएडवांटेज. उनके डिसएडवांटेज के टूवर्ड्स उनके टर्म्स एंड वर्किंग कंडीशन को चेंज किया जा सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो दिस यू शुड राइट इन द कंक्लूजन दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑफिस ऑफ सीआईसी शुड नॉट बी वेरिड आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज पर हिज अर डिसएडवांटेज विच मे हैम्पर द आरटीआई इकोसिस्टम. ऑब्वियसली अगर किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर का आप वर्किंग कंडीशन चेंज करोगे, देन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल गेट डीमोटिवेटेड टूवर्ड्स द वर्किंग. राइट, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, रिजाइन कर देगा. फिर इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो पाएगा ऑफ द आरटीआई इकोसिस्टम. इसके अलावा दूसरा आप कंक्लूजन इसमें यह दे सकते हो कि रादर देन टेकिंग कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीआईसी एंड आईसीस, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड दिस विल नॉट हैम्पर द इंडिपेंडेंस. ओके, अब देखो दो बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं. पहला रास्ता देखो, सरकार गवर्नमेंट इज सेइंग कि ओके हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं था, वी वर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दी tenure over the working condition over the terms of the information commissioners and the chief information commissioner. So that is why we are putting a control over them to and we are regulating their terms and working condition and their tenure also. So what you can provide a solution to this, you can provide. So basically government ka jo basic objective hai for keeping the control, wo kyun hai? To ensure the transparency, to ensure the accountability, to keep a check on the working on of the information commissioner. तो rather than having overall total control over the functioning of CIC and ICs, what central government can do, they can build a mechanism to keep a check and balance of CIC and ICs. उनके एक ऐसा mechanism बना दो जिसकी मदद से आप CIC और ICs के functioning के ऊपर check and balance रख सकते हो, तो आपकी भी बात मन जाएगी, भारत सरकार की भी बात मन जाएगी, और जो information commissioners हैं, जो chief information commissioners हैं और जो ऑपोजिशन है वो भी खुश हो जाएगा, और आपको इन जो क्रिटिसिज्म है इसका सामना नहीं करना पड़ेगा. सो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन गाइस यू कैन प्रोवाइड बाय यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन. आपने नेगेटिव इंपैक्ट दिए, आपने लिख दिया कि यस दीज कुड बी द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट. देन आपने पॉजिटिव भी लिख दिए कि गवर्नमेंट का टेक भी बता दिया कि यस दिस इज वाई वी आर डूइंग दिस. अब बीच का क्या रास्ता रहेगा, नेगेटिव वालों को भी खुश करना है, पॉजिटिव वालों को भी खुश करना है, तो दोनों को खुश करने के लिए यू हैव गिवन दिस कंक्लूजन. सिंपल. सो इस तरीके से गाइज आप अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हो. तो हमने क्या क्या करा, देखो हमने, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है, मेन स्ट्रक्चर वाला अगर आंसर आपने देखा है, तो उसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, इंट्रोडक्शन बताया था और बॉडी बताई थी, कंक्लूजन बताया था. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, आई हैव टोल्ड that you have to write about the definition of any particular thing that is being given in the question, about any particular act, policy, program, about any particular any organization, koi organization given hai, to wo humne kar diya. uske baad body mein humne sabse pehle keyword ko identify kar liya tha, hame pata tha ki hame kya kya likhna hai, hame amendment ke bare mein likhna tha, basically do cheeze likhni thi. we have to write only two things, number one what is the amendment kya hai, and number two hame likhna tha
कि उस अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट है, वो हमने लिख दिया, पॉजिटिव भी लिख दिए, नेगेटिव भी लिख दिए, और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख दिया। एंड कंक्लूजन में आई हैव टोल्ड दैट यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड कंक्लूजन एंड यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट यू हैव रिटन और यू हैव टू समराइज व्हाट यू हैव रिटन। तो ये तीन चार चीजें होती हैं जो कि आपको कंक्लूजन में अपने दिमाग में रखनी होती है। तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन राइट अ गुड आंसर ऑफ यूपीएससी मेन्स। अब चलते चलते आरटीआई एक्ट की बात हमने करी है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको आरटीआई एक्ट की बता देता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने हर सेशन में लेके आऊंगा रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो देर इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरटीआई इन इंडिया। सो सबसे पहले इन द ईयर 1975 देर वॉज अ केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राज नारायण एंड दिस वॉज दैट केस जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। दिस केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। एंड हु वाज राजनारायण? राजनारायण कौन थे? राजनारायण वाज द पर्सन हु फोट इलेक्शंस अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन द ईयर 1971 एंड उन्होंने चैलेंज किया था इन इलाहाबाद हाईकोर्ट कि यस जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन थे वो नल एंड वो ठीक तरीके से नहीं हुए थे, वो गलत थे, वो खराब थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि यस द इंदिरा गांधी इलेक्शन वॉज बेसिकली उन्होंने ये उनके जो इलेक्शन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद उनकी वहां से सीट भी चली गई थी। तो दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब ये जो उसके बाद उसकी अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पीपल कैन नॉट स्पीक और एक्सप्रेस अनलेस दे नो आर्टिकल 19(1) provides you the राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेस। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पीपल कैन नॉट स्पीक, पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस अनलेस दे नो, विच मीन्स सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज सम वॉट अ फंडामेंटल राइट फॉर द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला था कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अब जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक बोलेंगे कैसे, राइट? सिमिलरली एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भी एक केस था जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली थी। इसके बाद एक आरटीआई मूवमेंट की शुरुआत हुई थी भारत देश में विद द मूवमेंट ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन। आप आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, आपने अरुणा रॉय जी का नाम जरूर सुना होगा। अरुणा रॉय शी वॉज द पायनियर ऑफ दिस मूवमेंट मजदूर किसान शक्ति संगठन एंड दिस संगठन अनाउंस अ स्ट्राइक इन द सिटी ऑफ बेवार विच इज इन अजमेर इन राजस्थान और स्ट्राइक में काफी सारे लोग जमा हुए थे। And this movement guys started because of the alleged corruption within the Rajasthan government. Rajasthan government में बहुत सारा corruption चल रहा था। उस corruption के regarding इस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने कुछ information मांगी जो उनको नहीं मिली। So they started a formal movement against the government. Yes, demanding the right to information. Then there was a national campaign on People's RTI. It was established in the year 1996 in Delhi. To provide support to the struggle for the RTI Act. ये already चल रहा था, this was already there. मजदूर किसान शक्ति संगठन का जो movement था, it was there. And then in the year 1996, National Campaign on People's RTI launched, was established in the year 1996, which provided support to the struggle of the RTI. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद the central government made a committee which was known as Shauri Committee under the chairpersonship of this person. He is J.D. Shauri. शौरी कमेटी बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट में टू प्रिपेयर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस कमेटी ऑल्सो ड्राफ्टेड अ लॉ विच वॉज टर्न्ड इनटू फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल 2000 एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। सो याद रखना आरटीआई बिल से पहले एक बिल और आया था, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल 2000 जो कि पार्लियामेंट में टेबल हुआ था इन द ईयर 2000 ओनली और वो बाद में एक्ट बन गया था इन द ईयर 2002 में वो एक्ट बन गया था। सो देर वॉज एन एक्ट फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल 2002 बट इस एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इट नेवर केम इनटू फोर्स, ये कभी एनफोर्स ही नहीं किया गया, इट नेवर केम इनटू फोर्स। सो एक्ट तो बना दिया सरकार ने लेकिन इसको कभी एनफोर्स नहीं किया। फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी, सेटअप हुई इन 2004 विच टुक इंटरेस्ट इन आरटीआई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और इसमें जो मेंबर थी वो अरुणा रॉय भी थी जो कि पायनियर थी ऑफ द मूवमेंट ऑफ आरटीआई इन इंडिया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई एंड यू ऑल मस्ट नो दैट इन 2004 यूपीए गवर्नमेंट वॉज देयर। उसके बाद 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम गेव हिज असेंट टू द आरटीआई एक्ट। सो बेसिकली हुआ क्या था कि इन द मीन टाइम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वॉज सेटअप इन 2004 जिसके बाद आरटीआई
RTI Bill 2004. RTI Bill 2004 was tabled in the parliament and which was passed in the month of May 2005. 2005 के मई के महीने में इसको पास कर दिया गया एंड इट रिसीव्ड प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम्स कंसेंट ऑन 15 जून 2005 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005. 12 अक्टूबर 2005 को ये एनफोर्स कर दिया गया था. एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गाइस. पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है. पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो याद रख लो दैट शाहिद रजा बर्नी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फाइल RTI एप्लीकेशन इन आर कंट्री. वेयर? एट अ पुलिस स्टेशन इन पुणे. ही इज मिस्टर शाहिद रजा बर्नी. ऑलराइट, सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ RTI एक्ट इन आर कंट्री. एंड गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. इफ यू हैव लाइक दिस सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एंड एवरी सैटरडे आई विल ब्रिंग टू यू दिस टाइप ऑफ आंसर डिस्कशन. टिल देन कीप वॉचिंग अनुजिंदल.in. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.